हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी रेंज पर सेल के बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर के बेसिस पर फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस एक्सेल की सीट में कुछ रोज का बैकग्राउंड कलर ब्लू है। सो सबसे पहले हम उन सारी रोज को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं जिनका बैकग्राउंड कलर ब्लू है। अल्ट एफ 11 प्रेस करके चलते हैं वीबी एडिटर पर। और जैसे कि हमारी इस वर्कबुक में सिर्फ एक ही वर्कशीट है जो कि एक्टिव है, तो इसलिए हम डायरेक्ट रेंज यूज करेंगे। सो हमारी जो रेंज है इस पर फिल्टर अप्लाई करना है वो A1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम लेंगे A1.AutoFilter। उसके आगे इसका पैरामीटर लेंगे फील्ड। अब फील्ड में हम कॉलम नंबर लेंगे जिसके बेस पर हमें फिल्टर अप्लाई करना है। तो ए से एस तक हर सेल का बैकग्राउंड कलर ब्लू ही है, तो हम किसी भी कॉलम का नंबर वहां पर पास कर सकते हैं, तो हम 1 का पास कर देते हैं। और अब आता है हमारा क्राइटेरिया 1। यहाँ पर हम उस कलर का नाम देंगे जिसके बेस में फिल्टर लगाना है, जो कि हमारा है ब्लू, तो हम देंगे वीबी ब्लू एंड फिर देंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर में यहाँ पर पास करेंगे एक्सेल फिल्टर सेल कलर, सेव करेंगे F5 प्रेस करके। अब एक्सेल की सीट में जाकर हम देखते हैं वो सारी रोज फिल्टर होकर आ गई जहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू है। अल्ट ए टी प्रेस करके हम फिल्टर रिमूव कर देते हैं और अब हम फॉन्ट कलर के बेस पे फिल्टर अप्लाई करना सीखते हैं। तो वो सारी रोज फिल्टर करेंगे जहाँ पर फॉन्ट कलर हमारा रेड है। चलते हैं वीबी एडिटर पर। सो इसी कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। हम क्राइटेरिया क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे ब्लू की जगह रेड हो जाएगा और ऑपरेटर हमारा एक्सेल फिल्टर फॉन्ट कलर हो जाएगा। सेव करके F5 प्रेस करके हम चलते हैं अपनी एक्सेल की सीट पर। तो वो सारी रोज फिल्टर होके आ गई जहाँ पर फॉन्ट कलर रेड है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक्सेल की इस फाइल को हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या फिर सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।